आज हर एक नौकरी में बिना आरसीपी टैक्स, बिना चौधरी टैक्स की नौकरी नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री 2014 के बाद 4 से 5 वर्ष पद ले लिए, लेकिन बिहार एसएससी का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बिहार में जितने भी बहाली आ रही है, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, तीनों एग्जाम ऐसा है जो एग्जाम से पहले इसका क्वेश्चन मार्केट में आ जाता है। पटना के जेपी कोलम्बर के पास है हम लोग, छात्र जो है आज बहुत सारे समूह में जो है यहाँ पे बैठ गए आकर धरने में। क्या मांगे हैं आप लोगों की? बिहार दरोगा का सीबीआई जांच होना चाहिए और वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए। आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं? हाँ हाँ, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। आरसीपी टैक्स बंद होना चाहिए। आरसीपी टैक्स बिहार में जितने भी बहाली आ रही है, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, तीनों एग्जाम ऐसा है जो एग्जाम से पहले इसका क्वेश्चन मार्केट में आ जाता है। सेकंड बात, और इसके लिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, फर्स्ट बात। दूसरी बात है ये कि बिहार से बाहर की जो लड़की, अदर स्टेट का जो लड़की है, उसके बिहार में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि बिहार में जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो रही है बीए का, 5 से 6 साल में क्लियर हो रहा है, ये 5 से 3 साल में क्लियर होते। इन सारी मांग को लेकर के आज 11 तारीख को पटना के ऐतिहासिक पटना यूनिवर्सिटी से 11 सूत्री मांग को लेकर के इस बड़ी सरकार के कानों तक हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक घेरने के लिए जा रहे हैं। इन सारी मांग को लेकर के हम लोग निकले हैं। अब कहां तक जाते हैं ये यहां से निकलने के बाद पता चलेगा। आप लोग जेपी के जो है मूर्ति उसी के पास आए हैं। जेपी वही है जिससे नीतीश कुमार की राजनीति स्टार्ट होती है, संपूर्ण क्रांति से स्टार्ट होती है। बिल्कुल, बिहार से पता होना चाहिए, यही बिहार है जो गांधी को महात्मा बनाया है। यही बिहार है जो भले ही मोदी जी गुजरात के होंगे, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री यही बिहार के युवा ने बनाया है। यही गांधी मैदान है जिसमें युवा का खचाखच भी है, लेकिन आज ये बिहारी सरकार इस युवाओं की आवाज नहीं सुन रही है। चाहे आज कोई भी बहाली आ रही है उसमें धांधली हो रही है। आज हर एक नौकरी में बिना आरसीपी टैक्स, बिना चौधरी टैक्स की नौकरी नहीं हो रही है। इन सारी मामलों को लेकर के भाई जिसके पास रुपया है वही आज नौकरी लेगा। आज बिहार पुलिस में मिनिमम आपको 8 लाख रुपया रख दीजिए तभी नौकरी होगा। अब दरोगा ले लीजिए, 30 से 35 लाख रुपया उसका डिमांड है, उसके बाद नौकरी होगा। बीपीएससी का नाम मत लीजिए। इन सारी मांगे को लेकर के आज हम पूरा छात्र बिहार का एक एकजुट होकर के लगातार 6 से 7 दिन इस पर विचार विमर्श करने के बाद आज 11 तारीख 11 सूत्री मांग को लेकर के हम मुख्यमंत्री आवास के पास जाने के लिए तैयार। क्या लगता है वहाँ दिल्ली में किसान सड़क पे और यहाँ बिहार में नौजवान सड़क पे है, वहाँ किसान को नहीं सुना जा रहा है और यहाँ नौजवान आप लोग जैसे बोल रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है कि आपको नीतीश कुमार जी अभी दिल्ली में सुनेंगे आपको? बिल्कुल, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं रूसो। रूसो के कथन है लोकतंत्र में जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। यदि जनता की वाणी ये बाहरी सरकार नहीं सुनती है तो जनता ही चुन के उसे सत्ता में बैठाती है, और जनता को ताकत है इस सत्ता पर बैठे अहंकार ही उसको उखाड़ के फेंकने की ताकत ही जनता के पास है। आपको पता होना चाहिए इस धरती से एक जेपी निकलती है और ये इंदिरा गांधी की तानाशाही को उखाड़ के 1970 से 1980 के बीच में फेंक देती है। यही वो बिहार है, उसी हम लोग वही पूर्वज के विचार को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और यह अहंकारी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और ये दूसरी बात कह दे रहे, ये आंदोलन कोई भी राजनीतिक नहीं है, ये आंदोलन वही विद्यार्थी है जो पटना में किसान के बच्चे है और किसान अपने मेहनत की पसीना के कमाई देकर के पटना में रखते हैं। और लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रत्येक मन 4,000 खर्चा है, पूरे साल में मिनिमम 60 से 70 हज़ार खर्चे, और 7 साल से विद्यार्थी ले रहा है सच्चा के 45 लाख रुपया दे करके पटना में 7 साल 8 साल से ले रहा है। लेकिन यह कि बिहार एसएससी है,
2014 के बाद अभी तक क्लियर नहीं किया। मुख्यमंत्री 2014 के बाद 4 से 5 वर्ष शपथ ले लिए, लेकिन बिहार एसएससी का अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इन सारी मांग को लेकर ही बिहारी सरकार जो आरसीपी टैक्स के बिना नौकरी नहीं देती है, चौधरी टैक्स के बिना नौकरी नहीं देती, यही मांग को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि अगर कोई स्टूडेंट सरकार के खिलाफ सड़क पर निकलता है, आंदोलन करता है, चार्जशीट अगर होगी तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे। वहीं उसी सरकार में कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ परसों, उसमें बहुत सारे मंत्री हैं जिन पे बहुत सारा केस है। तो एक तरफ स्टूडेंट का जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट खत्म कर दिया जा रहा है, और वहीं जिसका कैरेक्टर खराब है उसे मंत्री बनाया जा रहा है। बिल्कुल, ये अंबेडकर की संविधान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संविधान। उन्होंने हमारे संविधान में आर्टिकल 19 के तहत अहिंसा रूप से आंदोलन करने की आजादी दी है। यदि वो सरकार ये संविधान को नहीं पढ़ाए तो आर्टिकल 19 और सरकार पढ़ के देखे, उसमें अहिंसक रूप से आंदोलन करने की अपनी आवाज सरकार तक पहुंचने की आजादी देती है। वो सरकार बारी हो चुकी है, अंधी हो चुकी है, आर्टिकल 19 को पढ़ करके देखे। तो स्टूडेंट का कहना ये है कि ये मजदूर हैं और किसान के बच्चे हैं, 5 साल में 5 लाख रुपए खर्च किए हैं और दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन बिहार में एक सच्चाई है, अगर आप बीए में एडमिशन लेते हैं तो 5 साल में आपको डिग्री मिलेगी। मगध यूनिवर्सिटी जाइए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जाइए, या कोई यूनिवर्सिटी जाइए, कोई परीक्षा होगा तो हाई कोर्ट जरूर पहुंचता है। ये बिहार का है। यहाँ बच्चे लोग स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि बिहार में 2 टैक्स चल रहा है, आरसीपी टैक्स और चौधरी टैक्स, इन लोगों 11 सूत्री मांगों को लेकर जेपी गोलम्बर, जेपी आपको याद होगा, वही जेपी जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान दिया था और इंदिरा गांधी के तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए।